लोक निर्माण विभाग द्वारा गत दिनों न्यू रोड हमीरपुर में 5-6 दुकानों के आगे अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई को लेकर प्रभावित व्यापारी अब शिकायत लेकर व्यापार मंडल हमीरपुर के पास पहुंच गए हैं। व्यवसायी अशोक दमीजा के नेतृत्व में प्रभावित व्यापारियों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी से मिलकर बात की है। अनिल सोनी को सौंपे शिकायत पत्र में व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि फेस्टिवल सीजन के चलते लोक निर्माण विभाग ने न्यू रोड पर कुछ दुकानों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की है। दुकान के आगे चौड़ी एवं गहरी नाली बना देने से ग्राहकों को दुकान तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। उन्होंने व्यापार मंडल को लिखित शिकायत सौंपकर इस बारे विभाग के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। लोक निर्माण विभाग द्वारा गत दिनों न्यू रोड हमीरपुर में 5-6 दुकानों के आगे अतिक्रमण के नाम पर की गई कार्रवाई को लेकर प्रभावित व्यापारी अब शिकायत लेकर व्यापार मंडल हमीरपुर के पास पहुंच गए हैं। वीरवार को सूरज स्वीट के एमडी अशोक तमीजा के नेतृत्व में प्रभावित व्यापारियों ने व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल सोनी से मिलकर बात की है। अनिल सोनी को सौंपे गए शिकायत पत्र में व्यापारियों ने आरोप लगाया है कि फेस्टिवल सीजन के चलते लोक निर्माण विभाग ने न्यू रोड पर कुछ दुकानों को निशाना बनाकर तोड़फोड़ की है। दुकान के आगे चौड़ी एवं गहरी नाली बना देने से ग्राहकों को दुकान तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है। धमीजा ने कहा कि अगर लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण हटाना ही था तो पिक एंड चूज की नीति क्यों अपनाई गई? उन्होंने शिकायत में कहा कि इससे व्यापारिक हितों को नुकसान पहुंचा है और व्यक्ति विशेष को निशाना बनाने से विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठे हैं। उन्होंने व्यापार मंडल को लिखित शिकायत सौंपकर इस बारे विभाग के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है। वो जो हमारी नीचे 3 नंबर शॉप जो गिराई गई है, शॉप नहीं आगे नाली का जो हमारा टूटा है तो उसके आगे काफी गैप पड़ गया हुआ था। मैंने व्यापार मंडल को बोला कि अगर ये आगे हमारे को टारगेट करके ये तोड़ा गया है तो चलो अगर तोड़ दिया नाली बनानी तो कम से कम उसको वो ठीक तो कर दे। फिर उन्होंने मेरे सामने एक्शन साहब को फोन किया, उन्होंने बोला कि ये नाली में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा ठीक करके आगे बना लीजिए। तो यही बात हुई थी कल मेरी प्रधान जी को, मैंने रिक्वेस्ट दी और मैंने लिख के उनको दिया कि मेरे फेस्टिवल सीजन के ऊपर ये जो कार्रवाई की गई है, जो सर्जिकल स्ट्राइक ही बोल सकता हूँ मैं इसको, ऐसे करके उन्होंने मेरे को टारगेट किया है। अगर करना ही था तो थोड़े दिन रुक भी सकते थे, ऐसा कौन सी ऊपर पड़ी हुई थी। और उसका कोर्ट केस चला हुआ है दुकान का, कोर्ट में स्टे मिला हुआ है उस मेरी दुकान का कि उसको कोई ऐसे छेड़ नहीं सकता। चलो मैं प्रशासन के साथ हूँ, मैं शहर की मैं भी प्रोग्रेस चाहता हूँ कि अच्छे फुटपाथ बने, लोगों को चलने की जगह बने। मैंने किसी कोई इंक्रोचमेंट नहीं, मेरी तो सारी शॉप ही किराए की है। अब जब इन्होंने बनाई थी तब इन्होंने इंक्रोचमेंट नहीं देखी हुई। जो निशांत शर्मा जी आज समाज सेवी या कुछ और मंच क्या बता रहे हैं उसका बता रहे हैं, ये कौन सा मंच है, क्या है? ये निशांत शर्मा की अपनी दुकान है जो इन्होंने तोड़ाई है और इनकी ये दुकान कोर्ट में केस चला हुआ है, वहाँ खाली नहीं हो रही कोर्ट में, कोर्ट के ऊपर इनको विश्वास नहीं, इसलिए ये हमारे को मेरे को तंग किया जा रहा है और उसके तहत ये मेरे ऊपर ये सर ऐसा है कि ये जो जागो मंच है तो मेरे को पता नहीं, मैंने पहली बार सुना है और इससे उन्होंने बताया हुआ था कि जागो मंच में जो अखबार में लिखा हुआ है और इसमें एक कविराज मिश्रा है वो हमारी नीचे 5 नंबर दुकान के सामने उसकी अपनी दुकान 150 रुपये किराए पर, इतनी बड़ी दुकान उसने ली हुई है और पता नहीं कैसे किस तरीके से ली हुई है। और उसके आगे देखो जितनी दुकान है उतनी दुकान उसने बाहर लगाई हुई है। ये लोग अपने गिरे भर में झांके नहीं देखते और दूसरों के ऊपर तंज कसते हैं और इन लोगों के साथ तो मतलब कोई कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रशासन से मांग करता हूं मैं कि इनकी पहले जो जैसे हमारे को टारगेट बनाया गया है दुकान तोड़ने के लिए, इनको भी टारगेट बनाना चाहिए। जो जो शिकायतें करते हैं इनका भी पहले चेक करना चाहिए इनका। आज आप अभी आप जाके देखिए मीडिया के भाई जो कुछ भी आप देख रहे हैं, आप इनकी दुकान की फोटो लेके लगाइए और बताइए प्रशासन को कि ये कविराज मिश्रा कौन है, ये कैसी कौन सी दुकानदारी कैसे करते हैं। भाई आधी दुकान अंदर 150 रुपये किराए पे और आधी दुकान बाहर लगाई हुई है पीडब्ल्यूडी के रोड पे, क्या पीडब्ल्यूडी का ध्यान इनकी तरफ नहीं जाता? वहीं व्यापार मंडल हमीरपुर के अध्यक्ष अनिल सोनी का कहना है कि व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए व्यापार मंडल हमेशा सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल अवैध अतिक्रमण का विरोध करता है लेकिन किसी व्यापारी को व्यक्तिगत निशाना बनाकर तोड़फोड़ की जाएगी तो व्यापार मंडल चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि न्यू रोड पर हुई तोड़फोड़ को लेकर कुछ व्यापारी उनसे मिले हैं जिसका प्रशासन से मिलकर वैकल्पिक हल निकाला जा रहा है।
मेरे पास कुछ न्यू रोड से कुछ व्यापारी कंप्लेंट रिटर्न कंप्लेंट लेके आए थे कि उनका कहना था कि इसमें उनका जो अतिक्रमण वाला पार्ट था दुकान के बाहर उसको उखाड़ दिया गया है और अब पोजीशन ऐसी है कि ना कस्टमर दुकान के अंदर आ पा रहा है, ना दुकानदार दुकान से बाहर जा पा रहा है, ना उसको बना रहे हैं पीडब्ल्यूडी वाले, ना कुछ। तो उसके बाद हमने उनको बोला था कि अपना इसको हम जल्दी टेकअप करते हैं मैटर को। फिर उसके बाद एक्सिन पीडब्ल्यूडी से मेरी बात हुई तो उनको मैंने आग्रह किया था, मैंने कहा भी इसको आप जो आपकी ड्रेन बननी है, जो आपने फुटपाथ बनाना है तो काइंडली इसको आप जल्दी बना दें। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, कहते हैं कि इसको हम बड़ी जल्दी वापस रिटेन करने जा रहे हैं। तो ये बात हुई थी।